सिस्टम इसके अंदर जो हमारा आज का टॉपिक है इसके अंदर, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके अंदर इंसर्ट में जाके हमारे पास जो टेबल्स के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्विक टेबल का एक ऑप्शन है, और इसको मैं देखना है कि ये किस तरह से काम कर रहा था। अब जो ये क्विक टेबल है ये किस तरह से काम करेगा, देखिए क्विक टेबल पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे पहले से बने बनाए कुछ टेबल्स आपको मिल जाएंगे, यानी कि ये वो टेबल्स हैं जो जल्दी में आप लोग पहले से क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें दिसंबर कैलेंडर के हिसाब से है, मई के कैलेंडर के हिसाब से है, मतलब इनको हम कहते हैं टेम्पलेट। अब इसमें से कोई भी टेम्पलेट अगर हम क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, क्लिक करना पर एंटर करेंगे और इंसर्ट करेंगे, यहाँ से टेबल पे क्लिक करेंगे, क्विक टेबल्स पे क्लिक करेंगे, ये एक दूसरा स्टाइल का टेबल मिल जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट के अंदर तीसरे किस्म का क्विक टेबल हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब इस टेबल्स को क्रिएट करने के बाद हमें फ़ायदा ये होगा कि इसमें पहले से स्टाइल मौजूद है, अब हमें यहाँ पे जो भी डेटा पुट करना है उसको हम पहले यहाँ पे डिलीट का बटन दबा के डेटा को क्लियर कर देंगे, और जैसे जो भी किस्म का डेटा डालना है, सपोज टू बी सीरियल नंबर और यहाँ पे आइटम लिख दिया हमने, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे लिख दिया हमने, और यहाँ पे आइटम लिख दिया सपोज टू बी एप्पल मैंगो बनाना, यानी कि इसमें हमें पहले से बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसका स्ट्रक्चर मौजूद था, सिर्फ हमने उसमें डेटा चेंज कर लिया। इसके डिज़ाइन को भी हम इजीली चेंज कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करके टेबल डिज़ाइन में चले गए और यहाँ पे क्लिक करके कोई भी बेहतर डिज़ाइन जो हमें इसके ऊपर सूटेबल था वो ऑन कर लिया। उसके बाद लेआउट में जाके अगर इसके अंदर रोज एंड कॉलम्स को ऐड करना है तो वो यहाँ से इजीली ऐड की जा सकती है और डिलीट की जा सकती है। सिमिलरली अगर इस टेबल की बात की जाए तो इसके अंदर पहले से ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई हुई हैं, और इसके बाद हमें इसके अंदर ये सारी चीज़ें ईजिली बनाने के लिए क्या करना होगा, सिर्फ इसके सेलेक्ट करेंगे डेटा को यहाँ से डिलीट कर देंगे, या कहीं पर आपको रैंडम डेटा दिखाना है तो ये बना बनाया टेबल भी आपको वहाँ पर हेल्प कर सकता है। सही है, तो ये टेबल बने बनाए फॉर्मेट में मौजूद हैं, आपको दोबारा से टेबल बनाने की जरूरत नहीं, जस्ट इनको यूज करें और डेटा को चेंज कर लें। सेकंड नंबर पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे क्लिक करके कि टेबल को टेक्स्ट के साथ कैसे एडजस्ट किया जाएगा। टेबल को टेक्स्ट के साथ एडजस्ट करने के लिए हमने यहाँ पे इक्वल टू रेंड किया और एक फंक्शन लॉन्च किया जिसमें हमने 20 पैराग्राफ्स को लिया, और एंटर करने पर यहाँ पे हमें पैराग्राफ्स मिल गए। एंटर करके यहाँ पे इंसर्ट में आया और यहाँ पे क्लिक किया टेबल के ऊपर, क्विक टेबल्स में गए और यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर ये एक टेबल क्रिएट हो गया। अब इस टेबल को अगर हमने साइज से यहाँ से कम कर लिया तो ये टेक्स्ट के साथ कैसे बिहेव करेगा, इसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए हम लेआउट में गए, लेआउट में जाने के बाद प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया और यहाँ से इसको सेंटर करके ओके कर दिया, तो ये टेबल सेंटर में आ गया, और यहाँ से प्रॉपर्टी में जाके राइट कर दिया तो ये राइट पर आ गया। प्रॉपर्टी में जाके अगर हमने इसको अराउंड टेक्स्ट किया तो टेक्स्ट इसके चारों तरफ आ जाएगा, और अगर हमने यहाँ प्रॉपर्टी में जाके इसको नन कर दिया तो टेक्स्ट या तो इसके ऊपर या नीचे रहेगा। देखिए अगर मैं टेबल को यहाँ से पकड़ के मूव भी करता हूँ, दोबारा देखिए कैसे मूव कर रहा हूँ, तो टेक्स्ट देखिए इसके दोनों तरफ आ रहा है, और प्रॉपर्टीज में जाके मैं इसको नन करता हूँ और ओके करता हूँ तो टेक्स्ट या तो इसके ऊपर या इसके नीचे नजर आ रहा है। यानी कि टेबल के टेक्स्ट किस तरह से बिहेव करे, उसको राउंड कैसे करे, क्या नहीं करे, तो क्लिक करके यहाँ से प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, अराउंड या नन पे क्लिक करके इसको सेट कर सकते हैं। अगर लेफ्ट कर देंगे तो ये लेफ्ट साइड पे इस तरीके से नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो टेबल की अलाइनमेंट सेट करनी हो तो लेफ्ट राइट सेंटर यहाँ से की जा सकती है, जबकि टेक्स्ट को अगर अराउंड करना हो या नहीं करना हो तो वो यहाँ से किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है फार्मूले का, यानी कि अगर किसी टेबल के अंदर आपने कोई वैल्यूज लिखी हुई है और उन वैल्यूज का टोटल करना चाह रहे हैं तो पहले आपने वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेनी है, और जहां पे इसका टोटल लेना है सपोज यहाँ पे इस कॉलम में लेना है तो यहाँ क्लिक करके आपने जाके क्लिक करना है फॉर्मूला एंड जस्ट क्लिक करके ओके कर देना है, तो ये उसका सम करके आपको दे देगा। सिमिलरली अगर आपने कोई टेबल बना रखा है और उसमें वैल्यूज आपने इस तरह से पुट कर रखी है और उनका टोटल आप यहाँ पे लेना चाह रहे हैं तो ये जितनी वैल्यूज होंगी उनको यहाँ क्लिक करेंगे और कहेंगे फॉर्मूला, और जैसे ओके करेंगे तो उनका सम दोनों का यहाँ पे ये आपको इजीली करके दे देगा, तो ये ऑटो सम भी कर पाएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कन्वर्ट टू टेक्स्ट की या टेक्स्ट टू उसकी, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारा डेटा इस टेबल के अंदर मौजूद है, अब टेबल में मौजूद है तो रोज एंड कॉलम्स में है, यानी कि पहले रोज एंड कॉलम्स है उसके अंदर हमारा डेटा है। अगर आप डेटा को रखना चाहते हैं और टेबल को डिलीट करना चाहते हैं, कैसे, मैं अगर अभी जाके डिलीट के अंदर टेबल पे क्लिक करूंगा तो टेबल ही डिलीट हो जाएगा। मैं यहाँ से इसको अंडू कर लेता हूँ, यहाँ क्लिक करके लेआउट में जाके यहाँ से क्लिक करता हूँ कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर, और ये मुझसे कहेगा कि अगर मैं टेबल को डिलीट करूंगा तो डेटा को सेपरेट कैसे करूँ, तो मैंने कहा टैब से कर लो, कॉमा से कर लो, या फिर पैराग्राफ से कर लो, तो मैंने कहा इसको टैब से कर लो, और जैसे ओके करूंगा तो यहाँ से देखें टेबल रिमूव हो गया और डेटा आपका वैसे ही पोजीशन में रखा हुआ है। अब ये एक नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर डेटा आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लेआउट में यहाँ पर टेबल का ऑप्शन भी खत्म हो चुका है। सिमिलरली अगर आपको कोई डेटा इसी तरह से मिलता है और आपसे कहा जाता है कि यार इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर दो, तो आपने उस डेटा को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाना है, टेबल पे क्लिक करना है और यहाँ से कहना है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, और जैसे क्लिक करके ओके करेंगे तो ये टेबल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा।
इसकी एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि अगर हमने डेटा को कुछ इस तरह लिखा, फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर, और यहाँ पे मैंने दिया एक टैब, उसमें लिखा मैंने फुल नेम, और यहाँ पे मैंने फिर एक टैब दिया और उसमें मैंने लिखा फादर्स नेम, ठीक है, और फिर एक टैब दिया और उसमें मैंने दिया सपोज टू बी क्लास, तो यहाँ पे हमने एंटर करके नीचे 01 लिखा और इसके अंदर सपोज हमने लिखा शर्जील और इकबाल अहमद, अब्बू का नाम क्या, मकबूल अहमद, मकबूल अहमद, तो इस तरह का डेटा हमने पहले से बना रखा है टैब करके, और क्लास इसकी हमने कर दी मैट्रिक। तो अगर इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है तो ये हमने सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गए, टेबल पे क्लिक किया और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक किया, देन जस्ट ओके किया, तो ये देखें इसने इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर दिया। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको इसके अंदर, जैसे कि क्लास आगे चला गया तो यहाँ पर से इस सेल को कैसे डिलीट किया जाएगा। अब यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक सेल डिलीट कैसे होगा, देखिए अगर आप लेआउट पे जाके यहाँ से क्लिक करेंगे डिलीट पर और रो करेंगे तो पूरी रो चली जाएगी, लेआउट पे जाके डिलीट कॉलम करेंगे तो पूरा कॉलम चला जाएगा, डिलीट करेंगे टेबल को तो पूरा टेबल चला जाएगा, सेल कैसे डिलीट होगा। डिलीट पे जाके जैसे ही सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ दो चॉइस आएंगे आपके पास, कह रहा है शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, अब मुझे इसको यहाँ लाना है तो इसलिए मैं कहूंगा शिफ्ट सेल लेफ्ट, ओके ये देखिए इधर आ गया। इसी तरह से इसको डिलीट करना है, अभी फुल नेम आ गया, सर्जिल आ गया, और उसके बाद यहाँ क्लिक करके तो यहाँ भी हम डिलीट करते हुए यही कहेंगे डिलीट सेल शिफ्ट सेल लेफ्ट लेफ्ट, और जैसे ओके करेंगे तो ये देखें टेबल एडजस्ट हो गया और बीच के सेल डिलीट हो गए। सिमिलरली एक एरर इस तरह का भी आ सकता है जो अक्सर आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, इंसर्ट ब्लो करेंगे और हमने यहाँ पे लिख दिया सपोज टू बी शर्जील अहमद और सीरियल नंबर हमने ऊपर लिख दिया और शर्जील अहमद यहाँ लिख दिया। अब इस सूरत में क्या करेंगे आप, इस सूरत में क्या करेंगे, अब इस सूरत में हम ये करेंगे कि अब यहाँ पर ये डेटा ऊपर की तरफ आ जाए और ये सेल निकल जाए, तो इस सूरत में हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे। अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है जो हम यहाँ पे और समझ सकते हैं, सपोज इसको कॉपी किया मैंने, यहाँ भी पेस्ट किया और यहाँ भी पेस्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने 02 लिख दिया, यहाँ पे 03 लिख दिया, अब डेटा तो सही है लेकिन एक सेल का मसला आ रहा है कि ये रो ऊपर हो, यानी कि तीनों रोज ऊपर चले जाए नीचे वाली रो फारिग हो जाए तो डेटा अरेंज हो जाएगा। इस सूरत में हम क्या करेंगे, इन तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे लेआउट में जाके कहेंगे डिलीट, अगर रो करेंगे तो रो तो पूरी डिलीट हो जाएगी, ये सही नहीं है, डिलीट करेंगे और डिलीट में जाके हम इसको कहेंगे डिलीट सेल और शिफ्ट सेल अप, शिफ्ट सेल अप, जैसे अप करेंगे तो ये देखिए यहाँ से पूरी रो निकल गई और ये रो फ्री हो गई। हाँ दूसरा मेथड इसका ये भी हो सकता था सही करने का, जैसे 1 2 3 है तो फिर आप इस सबको ऐसे सेलेक्ट करते और फिर आप यहाँ से दोबारा 1 2 एंड 3 की एंट्री करते एंड देन फिर इसको जाके डिलीट करके यहाँ से रोज को डिलीट कर सकते थे, पर ये तो बिल्कुल बच्चों वाला मामला हो जाता, जस्ट उसे एक क्लिक पे हमारा सारा वाला मामला हो गया सेट। तो इस तरह से भी आप टेबल को बेहतर तरीके से अरेंज कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स में क्या हो रहा है, अगर आपके टेबल की एक रो बड़ी है, दूसरी रो उससे ज्यादा बड़ी है और एक कॉलम छोटा है और दूसरा कॉलम उससे ज्यादा छोटा है, यहाँ पर मसला ये है कि आपके टेबल के रोज एंड कॉलम इक्वल नहीं है, तो अगर हमें सारी रोज को इक्वल करना है तो सेलेक्ट करके कहेंगे डिस्ट्रीब्यूट रोज, रोज डिस्ट्रीब्यूट हो गई, और अगर सारे कॉलम्स को एक जैसा करना है तो सेलेक्ट करके कहेंगे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, तो ये सारे कॉलम एक साइज के हो गए और सारी रोज एक साइज की हो गई। बाकी अगर चेंज करना है तो अपने हिसाब से यहाँ से इस तरीके से चेंज कर सकते हैं जैसे आप चाहें, ठीक है। ये देखिए तो ये फीचर भी आपको कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर देखिए हमारे ये सारे फीचर कंप्लीट हो गए कि किस तरह से टेक्स्ट में करना है और करना है। फाइनली एक रिपीट रो एंड हैंडलर का फीचर भी देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपका टेबल इतना बड़ा हुआ कि वो फैलता फैलता अगले पेज पर चला गया, तो मैं यहाँ से इसको ऑटो फिट करके विंडो कर देता हूँ और फैलते फैलते अगले पेज पे कैसे चला गया, इंसर्ट ब्लो पे क्लिक करते गए करते गए करते गए रोज ऐड होती गई 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 गई, मैं इसकी को चेके कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये कॉपी पेस्ट अच्छा ठीक है, उसके अंदर कॉपी पेस्ट नहीं करना, अलग से कॉपी पेस्ट करना, कॉपी पेस्ट ठीक है, और यहाँ से कॉपी पेस्ट और यहाँ से फिर कॉपी पेस्ट, फिर यहाँ कॉपी पेस्ट हो गया और ये देखिए अगले पेज पर आ गया आपका टेबल, देख रहे टेबल बढ़ते बढ़ते दो पेजेस पर आ चुका है, ये पहला पेज हो गया जहाँ से टेबल शुरू हुआ, ये इसकी हेडिंग है, तो मैं डिबेल डिजाइन में जाके यहाँ पे एक अच्छी सी हेडिंग लगा देता हूँ, तो ये हेडिंग है और ये कंटिन्यू कंटिन्यू ये पेज एंड हुआ और अगले पेज पर आ गया। अब यहाँ पर आप एक फीचर यूज कर सकते हैं, जब ये अगले पेज पर आया तो ये पता नहीं चल रहा था ये कौन सा कॉलम है, 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 तो इसके ऊपर भी हम इसी तरह से हेडिंग देना चाहते हैं। तो अब इसका तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम यहाँ पे दोबारा जाके एक रो ऐड कराएं, उसमें दोबारा सीरियल नंबर वगैरह लिखें, तो ये सारे काम हो सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है, टेबल पे क्लिक करें और लेआउट में जाएं और यहाँ से कहें रिपीट हेडर रोज, रिपीट हेडर, बस जैसे इस पे क्लिक करेंगे अगले पेज पर ये हेडर खुद ही रिपीट हो जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि अगर आप इसको यहाँ से क्लिक करके आगे भी कंटिन्यू करते हैं टेबल को, मैं कॉपी करके और आगे चला देता हूँ, उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं,
तो ये दूसरा पेज भी देखें यहाँ पे एंड हो रहा है और ये तीसरा पेज शुरू हो गया और उस पर भी ये खुद ब खुद रिपीट होती रहेगी अनटिल एंड अनलेस जब तक आप इधर से क्लिक नहीं हटाएंगे। क्लिक हटाएंगे तो जाके फिर वो उसको रोकेगा। मतलब मैं अभी यहाँ जाके इसको क्लिक करता हूँ और इसके हटा देता हूँ तो ये देखिए हर पेज के ऊपर रिपीट नहीं करेगा। तो इस तरह से आप टेबल को बेहतर तरीके से यूज करके बेहतर से बेहतर डेटा को टेबुलर फॉर्म में टेबल में बना सकते हैं, बेहतर फॉर्म्स बना सकते हैं और ये सारे कमांड्स को यूज करके अपने काम को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है।